बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलात वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वअला आलिही वसहबिही वमन वाला। रब्बि इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अल्लाहुम्म अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यन्फ़उना वज़िदना इल्मा, आमीन या रब्बल आलमीन। हम कोशिश करेंगे कि इमाम अबू यहया अबू ज़करिया यहया बिन शरफ़ अन्नववी अलैह रहमा की जो तसनीफ़ है रियाज़ुस सालिहीन, उसकी जो थीमेटिक अप्रोच है, उसका जो तसलसल है मज़ामीन का, उसको हम इंशाअल्लाह फॉलो करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये सारी रिवायात हम पढ़ें या इससे बाहर की कुछ रिवायात का हम तस्करा न करें, लेकिन एक रेफरेंस के तौर पर अगर कोई लोग चाहते हैं कि वो घर में अपने तौर पर इन रिवायात को देखें, तो हम कोशिश करेंगे कि रियाज़ुस सालिहीन जो किताब है उसके मज़ामीन को फॉलो करें। ये किताब बहुत गैर मामूली किताब है। हदीस की किताबें बुनियादी तौर पर दो तरह की होती हैं, एक को जिसको हम कहते हैं कि जो प्राइमरी सोर्स होती हैं, जिसमें जो भी मुहद्दिस रिवायत नकल करता है तो वह अपने से लेके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पूरी सनद बयान करता है, तो वो उम्महात कुतुब हैं, वो ओरिजिनल सोर्स हैं, जिसमें सिहा सित्ता भी हैं, मुस्तन अहमद बिन हम्बल भी हैं, सही इब्ने हिब्बान भी हैं, और बेतहाशा किताबें हैं जो तीसरी और चौथी सदी हिजरी में आम तौर पे इनकी तदवीन हुई। लेकिन उसके बाद फिर जो बाद में हमारे असलाफ आए, उन्होंने इन किताबों को सामने रख कर मुख्तलिफ इंतखाबात मुरतब किए मौजूआती एतबार से, तो उसमें जो आम तौर पर उलमा के यहाँ और मदारिस में सबसे ज़्यादा मुतदाविल इंतखाब है वो तो मिश्कातुल मसाबी है, लेकिन अवाम के अंदर जिस इंतखाब को सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला ने कबूल आम अता किया वो रियाज़ुस सालिहीन है, इमाम नववी की तसनीफ है, और बहुत ही उम्दा किताब है। इस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा मर्रतुम बिरियाज़िल जन्नति फ़र्ताऊ, जब तुम्हारा गुज़र जो है वो जन्नत के बाग़ों से हो तो कुछ चर चुग लिया करो। तो सहाबा ने पूछा कि रियाजुल जन्ना कौन से हैं, जन्नत के बाग कौन से हैं, तो आपने कहा हिलकु ज़िक्र, ज़िक्र के हलके, जहाँ अल्लाह की याद कायम होती है, कुरान का, हदीस का, इल्म का बयान होता है, तस्बीहात बयान होती हैं, वो ज़िक्र के हलके। तो गोया बहुत खूबसूरत उनवान है इसका कि रियाजुस सालिहीन, कि जो नेकोकार हैं सालिहीन हैं उनके लिए बागात हैं मुख्तलिफ छोटे छोटे जो उन्होंने यहाँ पर जमा कर रखे। और ये किताब इस लिहाज से भी अहम है कि चूँकि ये फ़िक्ही तरतीब पर मुदव्वन नहीं है, इमाम साहब ने इसके मुकदमे ही में ख़ुद बता दिया है कि मेरा क्या मकसूद है, मैंने ये किताब क्यों मुरतब की। तो मैं चाहता हूँ कुछ जुमले मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। तो कहते हैं कि मैंने ये चाहा कि मैं एक मजमूआ मुरतब करूँ सही अहादीस का, जिसमें क्या चीज़ें हों, मुश्तमिलन आला मा यकूनु तरीकन लिसाहिबिही इलल आखिरा, जो ऐसी रिवायात पर मुश्तमिल हों जो आदमी को आखरत की राह पर चला दे, आखरत की राह का सालिक बना दे, व मुहस्सिलन लिआदाबिहिल बातिनति वज़ाहिरा, और आदमी जो आदाब ज़ाहिरी हैं और जो आदाब बातनी हैं उनके हुसूल में उसके लिए सहूलत हो जाए, जामियान लितरगीब व तरहीब, और दीन का शौक़ दिलाने के लिए, आखरत का शौक़ दिलाने के लिए जो चीज़ें दरकार हैं मैं उसमें जमा कर दूं, और अल्लाह की नाराज़गी और जहन्नुम का जो खौफ है वो पैदा करने के लिए जो रिवायतें हैं वो भी मैं जमा कर दूं, वसाइरी अनवाई आदाब सालिकीन, और वो लोग के जो अल्लाह की तरफ सफ़र करना चाहें उनके जो भी आदाब हैं इस रस्ते के, जो भी आदाब दरकार हैं वो भी मैं जमा कर दूँ, इसमें जुहद की अहादीस हैं, रियाजातुन नुफूस हैं, नफ्स के लिए जो रियाजतें दरकार हैं, जो मुजाहदा दरकार है, उन रिवायतों को जमा कर दूँ, व तहरीबिल अखलाक, और अखलाक को महजब बनाने के लिए, रवैयों को ठीक करने के लिए जो बातें दरकार हैं वो रिवायतें भी मैं जमा कर दूँ, व तहारातिल कुलूब व इलाजिहा, और इंसान के दिल में जो जंग आ जाता है, उसके दिल में जो ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं उसको पाक करना, सुथरा करना, बातनी बीमारियों के इलाज के लिए जो चीज़ें दरकार हैं वो मैं बयान कर दूँ, व सियानतिल जवारे व इजालत वजाजिहा, और इंसान के जो आज़ाव जवारे हैं उनको अल्लाह की नाफरमानी से बचाना और कजी से बचाना। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें आज सबसे ज़्यादा दरकार हैं,
इस लिहाज से भी ये किताब बहुत मौजू है। और जिस तरह कि हमें मालूम है कि इसका पहला बाब यही है, बाबुल इखलास व इहज़ारुन नीयत, इखलास और नीयत को ठीक रखना, उसको हमेशा हाजिर रखना, उस पर हम बात कर चुके हैं। दूसरा जो बाब है वो तौबा का है, बाबु तौबा, तो उस पर इंशाल्लाह आज हम तौबा के हवाले से कुछ बात करेंगे। और कोशिश यही होगी कि शुरू में जो भी मौजू हो, अगला जो बाब है वो सब्र का है, फिर सिद्क का है, फिर मुराकबे का है, फिर मुजाहदे का है, तो पहले उस मौजू से मुतालिक कुछ तमहीदी बात कर ली जाए और उसके बाद फिर रिवायात का मुताला एक एक करके किया जाए। जो तौबा है, हमें मालूम है कि कुरान मजीद में भी जहाँ पर बयान हुए अहले ईमान के औसाफ़, वहाँ पर भी आगाज़ इससे किया गया है, अत्ताइबून अलआबिदून अलहामिदून, कि तौबा करने वाले, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले। और आप सूरह तौबा में भी देख लीजिए कि वहाँ पर भी जो तस्करा है ना कि ये जो मुशरिकीन हैं इन पर से अल्लाह का अज़ाब कैसे टल सकता है, तो वहाँ पर भी ये है कि फ़इन ताबू व अकामुस सलात व आतुज़ ज़कात फ़इख्वानुकुम फ़िद्दीन, और एक आयत में है कि फ़खल्लू सबीलहुम, कि अगर ये तौबा कर लें, तो तौबा करने का पहला मतलब ये है कि शिर्क से तौबा कर लें, कुफ्र से तौबा कर लें। और जो हम लोग हैं, जो मुसलमान हैं, जिनको अल्लाह ताला ने जो है शिर्क जली से बचा रखा हुआ है और बिल्कुल जो कुफ्र वाज़े है उससे बचा रखा हुआ है, उसके लिए इसका मतलब दूसरा है कि अल्लाह की तरफ रुजू करें और गुनाहों को तर्क करें। तौबा का लफ्ज़ अल्लाह ताला के लिए भी बोला जाता है, बंदों के लिए भी बोला जाता है। इस तरह ज़िक्र का लफ्ज़ है, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, इस तरीके से नुसरत की इस्तिलाह है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, इस तरीके से विलायत का मामला है कि वो भी बंदे और अल्लाह के दरमियान दो तरफ़ा है, अल्लाह अहले ईमान के वली हैं और अहले ईमान अल्लाह के वली हैं। इसी तरीके से तवाब का लफ्ज़ भी जो है वो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। कुरान मजीद में है कि वह अनत तवाबुर रहीम, कि मैं ही हूँ जो बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला, बंदों की तरफ इल्तफात करने वाला हूँ और रहम करने वाला हूँ। और अहले ईमान के लिए, मुसलमानों के लिए भी इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाब, वल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुततहिरीन, कि अल्लाह ताला पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं बहुत ज़्यादा तौबा करने वालों से और जो बहुत ज़्यादा पाकीज़गी इख्तियार करते हैं उनसे। तो जब ताब का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अला के साथ, अला की प्रोपोजिशन के साथ, यानी जब अल्लाह ताला कहते हैं कि लकद ताबल्लाहु अलन नबी, या फतलक्का आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैह, तो उसका मतलब होता है कि अफ़ दरगुज़र करना, माफ़ करना, इल्तफात करना, रहमत का मामला करना, ये अल्लाह की तरफ से गोया तौबा है। और बाज़ का तौबा का जो लफ्ज़ है वो इला के सिले के साथ, इला की प्रपोजिशन के साथ आता है, वहाँ उसका मतलब होता है रुजू करना, इनाबत करना, अल्लाह की तरफ झुक जाना। वतूबू इलल्लाह जमीअन अय्युहल मुमिनून, कि अहले ईमान तुम सारे के सारे अल्लाह की जनाब में रुजू करो, अल्लाह की जनाब में इनाबत के साथ झुक जाओ ताकि तुम फलाह पाओ। और जब बग़ैर किसी सिले के, बग़ैर किसी प्रपोजिशन के ये लफ्ज़ आता है तो इसका मतलब वही होता है जिसको हम तौबा कहते हैं, जिसका जौहर जो है वो नदामत है। इमाम ग़ज़ाली अलैहिर्रहमा ने लिखा है कि तौबा असल में तीन चीज़ों का मजमूआ है, इल्म, हाल और फ़ेल। इल्म का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो आपको इस बात का इदराक हो, शऊर हो कि मुझसे कोई कोताही हुई है, मुझसे कोई गुनाह सरजद हुआ है। ज़ाहरी बात है अगर इंसान को इस बात का कोई एहसास ही नहीं है तो फिर नदामत का भी कोई इम्कान नहीं है और अल्लाह की तरफ पलटने की भी कोई वजह नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इंसान को मालूम हो कि उससे अल्लाह की जनाब में कोई कोताही हुई है, कोई गुनाह हुआ है। और इसी वजह से हमें मालूम है कि हम सब पर ये ज़िम्मेदारी है कि हम जो फ़र्ज़ इल्म है उसको हासिल करें। और फ़र्ज़ इल्म लिटरेसी भी नहीं है, आम तौर पे हमारे यहाँ इकरा और इन आयात को और इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है लिटरेसी को बढ़ाने के लिए। बग़ैर पढ़ा लिखा भी कोई आदमी हो, बिल्कुल अनपढ़ हो, लेकिन वो ये जान ले किसी के ज़रिए से, किसी से पढ़वा के सुन ले कि अल्लाह ताला की मर्ज़ियात क्या हैं, अल्लाह ताला किन चीज़ों से राज़ी होते हैं और अल्लाह ताला किन चीज़ों से नाराज़ होते हैं, इसका जानना ज़रूरी है। इसी वजह से हमें मालूम है कि हमारा जो थ्रेशहोल्ड है गुनाहों के हवाले से वो बहुत नीचे आ चुका है। हम आम तौर पे चंद गुनाह हैं जिनको समझते हैं कि ये गुनाह हैं, चोरी है, बदकारी है, कत्ल है, डाका है, इन गुनाहों के बारे में हम ख्याल करते हैं कि जैसे ये गुनाह है। लेकिन बादल हमें इस हवाले से भी अपने इल्म को दुरुस्त करना चाहिए कि हमारे यहाँ एक तकसीम है सगीरा गुनाहों की और कबीरा गुनाहों की। तो हमारे अकाबरीन ने जो किताबें लिखी हैं कबीरा गुनाहों पर मुश्तमिल,
अगर आप उसका मुताला करें तो आप बहुत चौंक जाएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे। इमाम ज़हबी की किताब है किताबुल कबायर, उसमें उन्होंने तकरीबन 70 कबायर नकल किए हैं, 70 वो गुनाह जो उनके ख्याल के मुताबिक कबीरा गुनाह। इमाम इब्ने हजर हजर अल हैसमी अलैहिर्रहमा, उनकी एक किताब है अज़वाजिर अन इक्तराफिल कबायर, उसमें तकरीबन को 465 के करीब उन्होंने नकल किए हैं वो गुनाह जो उनके ख्याल के मुताबिक कबायर। तो पहली बात तो ये है कि हमें इसको देखना चाहिए, इस बात का ख्याल करना चाहिए कि गुनाह कौन कौन से हैं। और इस इल्म में ये बात भी शामिल है कि हम ये समझें कि गुनाह कितने मुज़िर चीज़ हैं, यानी गुनाह के असरात क्या हैं और गुनाह की हमारे लिए क्या रेपरकशंस हो सकती हैं। अगर हमें ये बात मालूम ही नहीं कि बस ठीक है जी गुनाह हो गया, तो ज़ाहिर बात है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमें ये मालूम हो कि ये गुनाह जो है वो हमें अल्लाह की रहमत से दूर कर देगा, अल्लाह के ग़ज़ब का निशाना बना देगा, और वैसे भी गुनाह करना, अल्लाह की नाफरमानी करना इंसान की हमीयत के भी ख़िलाफ़ है। वो जो बहुत ही मशहूर इस्तिग़फ़ार है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये सैयदुल इस्तिग़फ़ार है, ये इस्तिग़फ़ार के तमाम सीवों का सरदार है। उसमें जो अल्फाज आते हैं कि अबू लका बिनिअमति कालिया व अबू लका बिज़म्बी, कि अल्लाह मैं एतराफ़ करता हूँ अपने तेरे उन इनामात का जो मुझ पर हुए हैं, और मैं एतराफ़ करता हूँ अपनी इस कोताही का जो मेरे एंड से हो रही है। तो इसी से वो नदामत और खजालत पैदा होती है कि इंसान ये देखे कि मेरे रब ने मुझे कितना नवाजा है, कितना अता किया है और मैं क्या कर रहा हूँ। इसी को हया कहते हैं। इमाम जुनैद अबुल कासिम जुनैद ने एक जगह कहा कि हया इसी को कहते हैं, रुयतुल आला, अल्लाह की नेमतों का एहसास करना, और रुयतुल तकसीर, और अपनी तरफ से जो कोताही है उसका एहसास करना। तो इसके दरमियान से जो हालत तवल्लुद करती है वो हया है। तो जो बाहया आदमी है वो ये गवारा नहीं कर सकता कि मेरे रब की मुझ पर इतनी इनायतें हैं, इतने एहसानात हैं, और मैं ये बेगैरती कर रहा हूँ, मैं उसकी जो है नाफरमानी कर रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि गुनाह का एहसास हो। जब ये होगा तो इंसान के अंदर एक कैफियत पैदा होगी जिसको इमाम साहब कहते हैं हाल पैदा होगा। वो हाल क्या है? वो हाल खजालत का है, वो नदामत का है, वो शर्मिंदगी का है। मुस्नद अहमद की रिवायत है, कई किताबों में आई है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अन नदमु तौबा। असल में जो तौबा है वो तो नदामत का नाम है, खजालत का नाम। तो कहा कि रिग्रेट्स पैदा हो इंसान के अंदर, इंसान के अंदर नदामत पैदा हो। तो ये हाल है, और इस हाल का फिर तकाजा एक फेल है, अमल है। और वो अमल क्या है? वो अमल है असल में जिसको हम आमतौर पर इस्तिग़फ़ार या तौबा कहते हैं, और वो भी असल में गोया हम कह सकते हैं कि तीनों ज़मानों पर मुहित है, माजी, हाल और मुस्तकबिल। माजी के हवाले से क्या है कि जो कुछ अब तक हुआ है उसके हवाले से इंसान माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला से जो है मग़फ़िरत तलब करे, और माजी में जो हो चुका है अगर उसका ताल्लुक जो है वो हुकूकुल इबाद से है तो उसकी तलाफ़ी की कोशिश करे। यानी अगर किसी आदमी पर तोहमतें लगाता रहा है तो उसके लिए अपने आप को पेश करे, किसी आदमी की गीबतें करता रहा है तो उससे माफ़ी हासिल करे, किसी का माल दबा रखा हुआ है तो उसको वो माल वापस करे। तो गोया जो चीज़ें ऐसी हैं कि जो काबिल तलाफ़ी हैं, माजी के हवाले से तौबा का हिस्सा क्या है कि वो उसकी तलाफ़ी करे। हाल में क्या है कि वो उन गुनाहों को यकसर छोड़ दे, बिल्कुल तर्क कर दे। और तीसरी चीज़ क्या है जो मुस्तकबिल से मुतालिक है, कि अज़्म करे कि मैं आइंदा इन गुनाहों की तरफ कभी नहीं लौटूंगा। और चूंकि ज़ाहिर बात है इंसान कमज़ोर है, इंसान बार बार फिसल जाता है, तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंसान अगर ऐसा कर ले तो कोई उसको इम्यूनिटी हासिल हो जाएगी, दोबारा वो गुनाह नहीं करेगा। लेकिन नीयत यही होनी चाहिए जिस वक्त इंसान तौबा कर रहा है कि आइंदा मैं इससे जो है वो इसकी तरफ नहीं पलटूँ। और तौबा के हवाले से ये बात भी ज़रूरी है हम जान लें कि तौबा अल फौर करनी चाहिए, तौबा में डिले नहीं करना चाहिए। कुरान मजीद में हमें दो इंतहाएँ बता दी गई हैं तौबा के हवाले से। सूरह निसा की आयत नंबर 17 और 18 में पूरा उसका एक स्पेक्ट्रम हमारे सामने रख दिया, कहा कि इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीन यामलून सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबून मिन करीबिन फऊलाइक यतूबुल्लाहु अलैहिम वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा। कि अल्लाह ताला के ज़िम्मे है उन लोगों की तौबा कबूल करना या उनकी तरफ इल्तिफात करना, उनके गुनाहों से तजावुज़ करना, जो किसी जहालत से जज्बात की रौ में बहकर गुनाह कर बैठते हैं, सुम्मा यतूबून मिन करीबिन, और फिर फौरी ही पलटते हैं। तो कहा कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों की तरफ इल्तिफात करते हैं, उसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। तो ये तो एक गारंटी आ गई कि इंसान जैसे ही गुनाह करे फौरी तौर पर अगर पलटेगा तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मेरे ज़िम्मे है कि मैं इनकी तौबा कबूल करूँ। दूसरी इंतहा क्या है
कि इंसान तौबा को डेफर करता रहे करता रहे करता रहे यहाँ तक कि इंसान की मौत का वक्त आ जाए। तो फरमाया कि वल्लई सती तौबतु लिल्लज़ीना यामलून सय्यात, उन लोगों के लिए कोई तौबा नहीं है जो बुरे आमाल करते रहें। हत्ता इज़ा हज़र अहदहुमुल मौत, यहाँ तक कि इनमें से किसी की मौत का वक्त आ जाए, फिर उस वक्त वो ये कहें कि मैं तौबा करता हूँ, रुजू करता हूँ। तो कहा कि ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं होगी और ये लोग इसी हाल में मरेंगे कि ये अल्लाह का इनकार करने वाले होंगे, अल्लाह को जो है वो छोड़ने वाले होंगे। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन अल्लाह यकबल तौबतल अब्दी मालम युगर्गिर, अल्लाह ताला बंदों की तौबा कबूल फरमाते हैं जब तक के इंसान पर नज़ा का आलम तारी ना हो जाए, जब तक मौत का जो है घुंघरू इंसान के जो है वो गले में बचने ना लग जाए, उस वक्त तक जो है वो तौबा का मौका है। जब नज़ा का आलम तारी हो जाता है फिर तौबा की तौफीक अल्लाह ताला ख़त्म कर देती। तो हमें चाहिए कि हम इसको डेफर न करें, ज़्यादा दूर न करें। और वैसे भी हमारे यहाँ अकाबरीन ने इस बात की मिसालें भी दी हैं कि किसी गुनाह को जल्दी से छोड़ देना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर आप उसको डिले करते रहें, वो चीज़ आदत में रासिख हो जाए, तो फिर उसको छोड़ना बहुत मुश्किल। आप एक जो है वो कुछ छोटा सा पौधा लगाएं, अगर आप शुरू ही में उसको उखाड़ लेंगे तो एक बच्चा भी उसको हाथ से उखाड़ लेगा, लेकिन अगर आप उसको परवान चढ़ाते जाएं, वो एक दरख्त बन जाए, तो हो सकता है कि उसको उखाड़ने के लिए आपको कोई क्रेन जो है वो मंगवानी पड़े। तो इसका मतलब यही है कि जितनी जल्दी इंसान अपने गुनाहों को छोड़ दे उतना ही उसके लिए बेहतर। तो इंसान के लिए तौबा का दरवाज़ा उस वक्त बंद हो जाता है जब उस पर नज़ा का आलम तारी हो जाता है। और पूरी इंसानियत के लिए, पूरी कायनात के लिए तौबा का दरवाज़ा कब बंद हो जाएगा? जब इस कायनात पर नज़ा का आलम तारी हो जाएगा। इस कायनात की भी एक मौत है और इस कायनात की भी एक नज़ा है, और वो क्या है? वो सूरज का मगरिब से तुलू होना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन ताबा कबल अन तत्लुआ शम्सु मिन मगरिबिहा ताबल्लाहु अलैहि, जो शख्स सूरज के मगरिब से तुलू होने से पहले पहले अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर ले, तौबा कर ले, तो अल्लाह ताला भी उसकी तौबा कबूल करते हैं, अल्लाह ताला भी उसको माफ़ करते हैं। तो गोया पूरी कायनात की नज़ा क्या है कि जब सूरज मगरिब से दाखिल हो जाए, जब चीज़ें इम्पीरिकल हो जाती हैं तो फिर आजमाइश ख़त्म हो जाती है। इसीलिए हम देखते हैं कि पहली शर्त क्या है मुत्तकीन की, अल्लज़ीना युमिनून बिलगैब। तो जब नज़ा का आलम तारी होता है उस वक्त भी हकीकत वाज़ेह हो जाती है, पर्दे उठा दिए जाते हैं, इम्तिहान ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से जब सूरज मगरिब से दाखिल हो जाएगा तो ये चीज़ इम्पीरिकल हो जाएगी कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, उस वक्त जो है फिर ईमान लाने का फ़ायदा किसी को नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन अल्लाह ताला यबसुतु यदहु बिल्लैल लियतूब मुसीउन नहार, कि अल्लाह ताला जो हैं वो रात में अपना हाथ बढ़ाते हैं बंदों की तरफ कि वो तौबा कबूल कर लें दिन के गुनाहगार की। व यबसुतु यदहु बिन नहार लियतूब मुसीउल लैल, और अल्लाह ताला दिन में अपना हाथ बढ़ाते हैं बंदों की तरफ, इल्तिफात करते हैं कि वो रात के गुनाहगार की तौबा कबूल कर लें। हत्ता तत्लुआ शम्सु मिन मगरिबिहा, यहाँ तक कि सूरज जो है वो मगरिब से तुलू हो जाए। जब सूरज मगरिब से तुलू हो जाएगा तो फिर ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा कि रोज़ अल्लाह ताला दिन में भी हाथ बढ़ाते हैं कि रात के गुनाहगारों की तौबा कबूल कर लें, रात में हाथ बढ़ाते हैं कि दिन के गुनाहगारों की जो है वो तौबा कबूल कर लें। एक और बात जो बहुत अहम है तौबा के हवाले से, वो ये है कि हर गुनाह से तौबा करना ज़रूरी है। यानी एक तो ये है ना कि इंसान कुफ्र से इस्लाम में आ गया, शिर्क छोड़ के इस्लाम में आ गया, तब तो ठीक है कि एन ब्लॉक तौबा हो गई उसकी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना कबलहु, कि इस्लाम अपने से पहले तमाम जो गुनाह हैं, तमाम कोताहियाँ हैं, उनको डिसमेंटल कर देता है, गिरा देता है। लेकिन हम जो लोग मुसलमान हैं, हम बहुत से गुनाहों में मुब्तला हैं, तो हर गुनाह से तौबा की अलग ज़रूरत है। और अगर इंसान बहुत से गुनाहों में मुब्तला है, किसी एक गुनाह से तौबा कर ले तो उस गुनाह से तौबा हो जाती है। जिस तरह हमारे यहाँ कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि जी एक आदमी जो है वो दो गुनाह कर रहा है, एक तो ये है कि एक तर्क मामूर किया है उसने, नमाज़ नहीं पढ़ता, वो ये भी एक गुनाह है, और एक ये है कि वो फेल महजूर कर रहा है, यानी वो शराब पी रहा है मसलन, यानी नमाज़ नहीं पढ़ रहा, ये वो एक गुनाह कर रहा है, और शराब पी रहा है ये दूसरा गुनाह कर रहा है। तो हमारे यहाँ होता ये है कि अगर ऐसा आदमी जो है वो शराबी नमाज़ पढ़ने लगे तो हम उसको कहते हैं कि भाई ये क्या फ़ायदा है, इसका कोई फ़ायदा नहीं, नमाज़ भी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, नमाज़ भी छोड़ दो, चूँकि तुम शराब पीते हो इस वजह से तुम्हारी नमाज़ पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये रवैया ठीक नहीं है। दो गुनाह वो कर रहा है, शराब पीता है ये एक गुनाह है, नमाज़ नहीं पढ़ता ये एक और गुनाह है।
तो अल्लाह ने उसको तौफीक दी है कि उसने एक गुनाह से तौबा की, नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी, तो उसको बकअप करना चाहिए और कहना चाहिए कि अब दूसरा गुनाह भी छोड़ दो, शराब पीना भी छोड़ दो। हाँ, कुछ गुनाह ऐसे हैं, बस शिर्क और कुफ्र है, हो सकता यानी ज़ाहिर बात है उसके साथ कोई भी नेकी जो है अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। और जिस तरह कुछ रिवायतों में आता है कि अकल हराम है, हो सकता है वो भी एक ऐसा गुनाह हो कि जिसकी मौजूदगी में हो सकता है कि बहुत सी नेकियाँ और बहुत से गुनाहों को छोड़ना जो है वो अल्लाह के यहाँ मुफीद ना हो। लेकिन जिस जिस गुनाह का हमें मालूम हो जाए उससे अलग अलग तौबा करना हमारे लिए ज़रूरी है। और जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया है कि ये जानना ज़रूरी है कि गुनाह कौन कौन से हैं और किन गुनाहों को हमें छोड़ना है और उसको गुनाह समझ के छोड़ना है, गुनाह समझ के तर्क करना। आपको मालूम है कि इस तरह अल्कोहल है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी इस तरह के एड्स अब आने शुरू हो गए हैं जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के होते हैं कि भाई शराब पीने में कोई ख़राबी नहीं है, अल्कोहलिक होना ये एक ख़राबी है। जो इस तरह मगरिब में है ना कि अल्कोहलिक होने में ख़राबी क्या है कि इससे एक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें डोमेस्टिक वायलेंस होता है, इससे इंसान जो है बहुत सी माशी एक्टिविटीज़ में नहीं लग सकता। तो अगर कोई आदमी इन वजूहात से शराब को छोड़ता है तो उसने तौबा नहीं की। असल में तौबा वो होती है जो अल्लाह के लिए की जाए, किसी गुनाह को गुनाह समझते हुए उसके हवाले से अल्लाह की जनाब में तौबा की जाए और इस्तग़फ़ार किया जाए। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को समझ दें, उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।